दिलीप पांडे की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, न केवल गिरफ्तारी है 14 दिन के लिए जेल भी भेजा गया है। लेकिन योगेंद्र यादव ने कहा है कि जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं वो पोस्टर गलत हैं, भड़काऊ पोस्टर को हम नहीं मानते, हम इससे खुद को अलग करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो दिलीप पांडे को 2 अगस्त तक जेल भेजा गया है। लेकिन आखिर दिलीप पांडे हैं कौन? सवाल यह है कि दिलीप पांडे हैं कौन जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मंझौले कद के दिलीप कांडे का आम आदमी पार्टी में बड़ा कद है। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी दिल्ली शाखा के सचिव हैं। माना जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो ऐतिहासिक कामयाबी पाई उसके पीछे दिलीप पांडे की रणनीति ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यूपी के गाजीपुर में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हासिल करने वाले दिलीप पांडे ने भोपाल से एमसीए किया और उसके बाद उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वो यूके चले गए। यूके में 1 साल काम करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे और वहां से हांगकांग। साल 2012 में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दिलीप पांडे अन्ना के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली चले आए और तभी से वो अरविंद केजरीवाल की कोर टीम में शामिल हैं। दिलीप पांडे ने दहलीज पे दिल नाम की किताब भी लिखी है जिसका विमोचन पिछले साल हुआ था।